देश को आज़ाद होना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा असमानता है, चाहे वो जातिवाद को लेकर हो, चाहे वो महिला या पुरुष को लेकर हो। अभी भी लोगों में समानता आनी बाकी है। महिलाओं को भी बहुत बहुत ही जगहों पर थोड़ा सा दबाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैं नहीं कहती कि अपनी सेफ्टी ध्यान में नहीं रखनी चाहिए, अपनी सेफ्टी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अपने आप को कम समझना है। कुछ लोगों का नेचर ये है कि हाँ भाई, कहना है कि जो आजकल जो रेप वगैरह जो चल रहे हैं वो लड़कियों के कपड़े की वजह से हो रहा है, कि जो शॉर्ट ड्रेस वगैरह पहनती हैं, वो तो थिंकिंग की बात है अपनी अपनी, तो उसमें थोड़ा सरकार को देखना चाहिए। शादी वो होती है सेल्फ डिपेंडेंट होना, आप पढ़ लिख कर अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं और सेल्फ अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो आप फ्रीडम में हैं। अगर आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो आप अपने पति से, बच्चों से, सास से, माँ बाप से पूछ कर लेते हैं, तो आप फ्रीडम में नहीं है। महिलाओं को तो आज़ादी अभी सही मायनों में किसी भी इसमें नहीं मिली है। मेन तो शुरुआत होती है कि अपने घर में जो फ्रीडम है वो मिलता नहीं है। हम औरतों को देवी तो मानते हैं, मगर हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अगर हम ये बात करें कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, तो आई डोंट थिंक कि वी आर, क्योंकि अभी भी हमें रात को अकेले निकलने के लिए रिस्ट्रिक्टिव लगता है। आई मीन वी आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट। 70% आज़ाद हैं, बट अभी भी उनको एक इक्वालिटी का पैरामीटर क्रॉस करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। अभी ज़्यादा इंडिपेंडेंट तो नहीं हुई है वो, बट हाँ पहले से बेटर है अभी। हाँ दादी, तो देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जो एक विमन के लिए आप कह रही हैं उसके हिसाब से वो अभी नहीं माना जा सकता। एक जो पढ़ा लिखा तबका है, थोड़ा अपर मिडल फैमिलीज हैं, वहाँ की लेडीज़ को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं जो उन्होंने अपनी काबिलियत से गेन की हैं, लेकिन जो एक लोअर तबका है, एक लोअर मिडल फैमिलीज बोल दो, तो उनको अभी तक कुछ भी इस तरीके का बेनिफिट नहीं मिला है। फिलहाल दोनों को ना समानता एक तो देनी चाहिए, लड़का है, बेटा है या बेटी है, ठीक है ना, वो नहीं है। जैसे हमारे कोई लड़की मान लो शादी होकर जाती है, तो वहाँ की बेटियाँ और जो बहू बन के आई है उनमें बहुत भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पूरी तरह से आज़ाद नहीं है अभी भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सबको पूछना पड़ता है घर में बाहर, क्योंकि पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। हर जाने को लेके, कपड़े पहनने को लेके, पढ़ने लिखने को लेके, बेटियों को हर चीज़ में रोका जाता है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। फुली डिपेंड करता है मेंटालिटी के ऊपर। हमें अपने सारे यूथ्स को शुरू से लेके अभी तक बचपन से लेके सारी बातें करनी चाहिए, इवन सारी फैमिली मेम्बर्स को, जो कि उनको छोटी मोटी चीज़ें पीछे से या फ्रेंड से ना पता हो करके पूरी फुल प्रूफ पता चले, ताकि वो ये अपनी सोच को हटाएं कि फीमेल वैसे अभी फ़िलहाल उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जितना कि होना चाहिए। भारत में काफ़ी आज़ादी है और सदियों से चली आ रही है, हजारों करोड़ों वर्षों से आज़ादी है भारत में, तो आज़ादी के मामले में मैं नहीं कह सकती कि कोई कमी है। तो फैमिली वाले कुछ भी मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो सेफ्टी मेजर, बट इसके लिए बाकियों के लिए क्या है, जो बॉयज़ के लिए वो क्या है? अगर 10 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं निकलेगी तो लड़के क्यों बाहर है? एक ये है जस्ट बिकॉज वो बाहर है तभी तो हम अंदर हैं। सबसे पहले तो उनका एजुकेटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी बात भी रख पाएंगे हर जगह पे, कहीं पे भी। और बाकी तो जो लोग आज़ाद नहीं हैं, वो बहुत बैकग्राउंड वाले जो फीमेल्स हैं हमारी, वो आज़ाद नहीं हैं। महिलाएं जो हैं जो बैकवर्ड क्लास की हैं, आज़ादी इस तरीके चाहिए कि हम बाहर निकलते हैं, हमारी सुरक्षा चाहिए, जहाँ से हमें लोग परेशान करते हैं, हर तरीके का परेशानी है हमें, कहीं भी जाते हैं आते हैं किसी तरीके का सुकून नहीं है हमें, हर तरीके की परेशानी है। घर वाले मतलब कि हर जगह जाने से बंदिश लगाते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, कहीं जाने के लिए करो तो कि नहीं अभी नहीं जाना है, बाहर ये सब हो जाएगा, बाहर कुछ जाओगे तो वो हो जाएगा, तो मतलब कि है कहीं ना कहीं है घिराव सा। आज़ादी तो हर चीज़ की मिलनी चाहिए, अभी तो कोई भी चीज़ की आज़ादी मुझे तो नहीं लगता। जैसे क्या रास्ते चलते भी कई लोग बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, वो भी नहीं अभी है, खुला घूम नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते अकेले, बाहर जाके जॉब करने दी जाए, थोड़ा बहुत बाहर जाने दी जाए लेडीज़ को, पर हमें तो आज़ादी है, वैसे हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जाएगी थोड़ी अपनी मर्ज़ी से, घर के आदमी बोलेंगे कुछ तो जा सकते, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं जा सकती है ना कोई भी।